अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाज़ेब कमर और मेरे चैनल का नेम है अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू विद शाज़ेब। अच्छा, आज मैं आपके लिए जिस चीज़ का अनबॉक्स एंड रिव्यू लेकर आया हूँ, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, वो है शाओमी का 11T प्रो मोबाइल। ठीक है, ये मेड इन चाइना है, 5G कनेक्टिविटी। सबसे पहले इसकी आपको मैं प्राइस दिखा देता हूँ। प्राइस के लिए हम Droz.pk पर जाते हैं। 1,31,999 रुपये की प्राइस है इसकी रिटेल प्राइस, और 3 कलर में आता है ये। ठीक है, क्रिस्टल ब्लू और ग्रे और ये वाइट कलर में। ठीक है, और इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक सादा भी आता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर आ जाएं तो ये मैंने ये सादा है, यानी कि उस सादा से मुराद प्रो नहीं है। ठीक है, इसकी 83,499 रुपये प्राइस है। इसमें बस रैम और स्पेस सेम है, रैम का फ़र्क है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब हम इसको जल्दी से अनबॉक्स और रिव्यू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको बॉक्स पर ही लिखा हुआ जैसे कि नज़र आ रहा है, 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा क्लियर कैमरा है। और इस तरीके से ये देखें, एक्सिम में ये कुछ लिखा हुआ ये, और नीचे पर आ जाएं, ये इसके IMEI नंबर दिए हुए इन्होंने। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, कंपनी ने लिख कर भेजा है जो कुछ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। शाओमी 11T प्रो ग्रे कलर, 12GB। ठीक है, रैम और 256GB रोम। ठीक है, ये हो गया। और बाकी ये चीज़ें हैं, वारंटी कार्ड है और मोबाइल फ़ोन है, और ये मेड इन चाइना मोबाइल है। ठीक है, और ये हो गया, ये है, और तकरीबन ये कुछ लिखा हुआ है ये। अब हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये मिला है। ठीक है, इसमें क्या है हम देख लेते हैं। एक वही जो पिन मिलती है हमेशा की तरह, छोटी सी पिन है लेकिन आपके सिम वगैरह निकालने के बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, और उसके बाद आपको जो कुछ ब्राउज़र हैं ये मिलते हैं, मैनुअल वगैरह, इसके फीचर्स कुछ लिखे होंगे। इससे ये मुराद मतलब है, इसका मतलब है ये यहाँ पर मोबाइल जाता है इनका। ठीक है, ये हो गया, ब्राउज़र हो गया। अच्छा, एक आपको सिलिकॉन पाउच मिलता है, बिल्कुल क्लियर है ये भी, देखें मेरा हाथ भी आ रहा है इसके ऊपर, कैसे क्लियर है ये इस तरीके से। अच्छी क्वालिटी है, ये हो गया। और क्या जी इसके अंदर, बस यही कुछ था इसके अंदर। अब हम मोबाइल की तरफ आते हैं अपने, तो ये पकड़ने के लिए ऐसे, फिर इन्होंने दोबारा से लिखा हुआ है। अच्छा, मैं आपको इसकी ख़ास चीज़ बताऊं, जो इसका चार्जर है ना, 120 वाट का, अभी तक सबसे ज़्यादा हैवी मोबाइल हैवी चार्जर। जो इसकी 0 to 100 है वो 20 मिनट्स में करती है, और अगर आपका 2% है मोबाइल तो 2% से 100% करते हैं सिर्फ 17 मिनट में। ये अब तक की सबसे सुपर फास्ट चार्जर है अभी तक का। ठीक है, और उसके अलावा ये लिखा हुआ उन्होंने कुछ, और ये हो गया पीछे से, हम इसे जल्दी से खोल लेते हैं। ये इसका फ्रंट इस तरीके से, बिल्कुल प्लेन ऊपर से। करीब से भी आपको इस कैमरे का दिखा देता हूँ, 108 मेगापिक्सल का कैमरा। ये सेंसर है रेड वाला इसका। ठीक है, और इधर से कुछ ये लिखा हुआ है, मेड इन चाइना। ठीक है, और इस तरफ से आ जाए, अब हम इसे जल्दी से ऑन कर लेते हैं। इसके कैमरे की क्वालिटी और जो
व्यू वगैरह इसका, तो वो मैं अलग अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें हमें एक, मैंने आपको बताया चार्जर 120 वाट का अब तक का सबसे फास्टेस्ट चार्जर है, सुपर फास्ट चार्जर। ये इसके ऊपर ये कुछ लिखी हुई है डिटेल, अगर आप ये देखें तो कैमरा अगर दिखा सके, क्या आपको पहले बताया मैंने 2% से ये 100% करता है 17 मिनट में, और 0 to 100 करता है सिर्फ 20 मिनट्स में। सुपर फास्ट चार्जर है अब तक का, और काफ़ी हैवी है, वज़नी भी काफ़ी है, ठीक है। तो आपने इस चार्जर का भी ख्याल रखना है। ये डाटा केबल है, इसको भी हम निकाल लेते हैं इसमें से। डाटा केबल भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, नरम क्वालिटी है। अच्छी ये डाटा केबल हो गई, टाइप सी इसमें डाटा केबल मिलती है आपको, और कुछ नहीं मिलता, बस ये कुछ ही था इसमें। ये बिल्कुल आप कैमरा यूज़ कर सकते हैं इसको, प्रोफेशनल अपने वीडियोस बनाने के लिए आप इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से है। अच्छा, अगर आपने 108 पिक्सल पे वीडियो बनानी है ना, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 720 पिक्सल, 1080 पिक्सल, 4K और 8K, 8K तक ये वीडियोस बनाता है, ठीक है, बैक कैम के थ्रू। और अब हम फ्रंट की बात करते हैं अगर, तो ये फ्रंट पर जो बनाता है, फ्रंट की वीडियो ये बनाता है, फ्रंट पे भी 1080 पिक्सल तक बनाता है फ्रंट की भी ये, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये फ्रंट कैम अगर ऑन करें तो ये देखें फ्रंट कार्ड कैम की वीडियो की रिकॉर्डिंग 720 पिक्सल, 1080 पिक्सल, 30 फ्रेम्स के साथ, ठीक है, और 1080 पिक्सल पर ही 60 FPS के साथ, ठीक है, 60 फ्रेम पर साइकिल, ठीक है, ये हो गया। और अच्छा, फ्रंट में भी आप ये कुछ तरीके हैं मज़ीद भी, आप जैसे ये लगा सकते हैं, ये हो गया ग्रिड लाइंस में आपको ये अंदाज़ा होता है कि भाई आप स्ट्रेट हैं या नहीं है। फ़ोटो में जाएंगे तो फ़ोटो में इस तरीके से है, मैं ये अपना इस कैम को बंद करता हूँ, ये देखें, ठीक है। और ये फ्रंट का रिज़ल्ट है, ठीक है, ये पीछे से बैक लाइट्स आ रही हैं जिसकी वजह से तस्वीर अच्छी नहीं बन रही। और ये हो गया, ये मैं बैक का दिखाता हूँ, तो बैकअप जैसे अभी इसको हम कैप्चर करते हैं, अच्छा बैक में जो मैंने आपको बताया है बैक की वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है वो 720 पिक्सल, 1080 पिक्सल और 4K 8K 60 FPS तक, 8K की भी, 8K में 30 FPS में होती है। अच्छा, प्रो में आते हैं तो प्रो में ये ऑटोमेटिक सब कुछ सेट करता है, और उसमें आप 1080 पिक्सल तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, प्रो में सिर्फ तस्वीरें बनाता है, प्रो में वीडियो नहीं बनाता, ठीक है, आपने ये भी ध्यान रखना है। और 8K में 30 फ्रेम पर साइकिल में बनाता है। और ये ग्रिड अगर आप ये बंद करना चाहें, ये लाइन्स सिर्फ इसलिए शो होती हैं ये आपको पता लगे आपका क्या मोबाइल जो है सीधा भी है या नहीं, ठीक है, इसलिए लाइन्स शो होती हैं। और इसके अलावा बस ये माइक्रो में ये चीज़ है, ये वाला जो है कि भी आप अगर छोटी से छोटी चीज़ भी देखना चाहें तो वो भी आपको नज़र आ सकती है, ठीक है, इस तरीके से, वो भी क्लियर। अब जैसे कि ये चूंटी है, ये चली गई, ठीक है, वो चली गई इस तरीके से। बाकी मैं मज़ीद आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसके कैमरे के फंक्शन वगैरह। अलबत्त मैंने इन चीज़ें यही बतानी थी
सकते हैं। इसके कैमरे की क्वालिटीज़ 108 मेगापिक्सल तक ये बनाता है जब ये वाइड एरिया में वीडियो बनाता है, ठीक है इस तरीके से। और बैटरी इसकी 5000 mAh है जो मैंने आपको बता दिया है, इतनी देर में चार्ज हो जाती है, 20 मिनट में 0 to 100 और 17 मिनट में 2% से 100% तक ठीक हो गया। और इसके अलावा अपनी इसकी मेमोरी 256 GB हो गई। और यही कुछ अहम चीज़ें थी जो बतानी थी। 5G सपोर्टेड है ये, और इसकी रैम जो है वो 12 GB है रैम, काफ़ी यानी कि गेमिंग के लिए भी ये आराम से मोबाइल यूज़ हो सकता है। अच्छा, इसकी फ्लैश लाइट की बात करूँ तो फ्लैश लाइट का रिज़ल्ट भी मैं आपको लाइट रोशनी दिखा सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ पर लोड शेडिंग भी होती है, तो इसकी लाइट भी ये है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से, ये इसकी रोशनी है, ये इसकी रोशनी है, ठीक है। ये बंद किया, ये इस तरीके से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और मोबाइल आपने जहाँ से भी लेना हो तो चेक करके लीजिएगा कि भाई रीफर्निश्ड वगैरह ना हो। Draz.pk से लेने का ये फ़ायदा कि आपको अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते तो चीज़ आपकी वापसी भी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का अनबॉक्स और रिव्यू लेकर आऊँगा, और बल्कि कोशिश करूँगा इससे बेहतर लाने के रिव्यू की। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।